नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। सोनी हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड आज जनरल ड्यूटी असिस्टेंट वालों के लिए लाए हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस, उसमें फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं आपके साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो जो पहला वीडियो पढ़ा देखा था हमने 22वां, उसी का हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम नजर डालते हैं कार्य सूची पर। पहले जिसकी हम बात करेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग की अवधारणा एमएस वर्ड। दूसरा है, एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करना है, फॉन्ट टाइप कैसे करना है और कैसे उसकी साइज बदलनी है, टेक्स्ट इंसर्ट करके हेडर और फुटर कैसे बनाना है, इंडेंट और स्पेसिंग कैसी करनी है, मार्जिन में बदलाव कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनानी है, बुलेटेड और नंबरिंग लिस्ट कैसे करनी है, लिस्ट को फॉर्मेट करना है, स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग कैसे करनी है, शब्द गणना यानी वर्ड कैलकुलेशन कैसे करनी है, वर्ड में विभिन्न संपादन तरीके, एडिटिंग मोड, तस्वीर, इमेज और तालिका, टेबल इंसर्ट करना, टेबल को इंसर्ट करना, वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल को कैसे इंसर्ट करना है, टेबल कैसे बनाई जाती है, खाली पेज को, ब्लैंक पेज को कैसे इंसर्ट किया जाता है, एक पेज ब्रेक इंसर्ट करना, कवर पेज डालना, वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद करना और उससे बाहर आना। इसी के साथ हम आज के हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। एमएस वर्ड के बारे में हम बात करेंगे। एमएस वर्ड क्या होता है? ज़्यादातर लोग जो रोज़ाना कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर ऑफिसेज में, साथ के साथ आप कोई भी रिसर्च वगैरह बना रहे हैं या फिर और कोई दूसरा कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, तो आप एमएस ऑफिस से वाकिफ हैं। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड होता है, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग की स्किल से आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे कि पत्र, मेमोज या अन्य पत्राचार इत्यादि बना सकते हैं। आधुनिक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट के बीच में तस्वीरें और ड्राइंग की सुविधा देते हैं। एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, इस चित्र द्वारा हम समझ सकते हैं। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट खोल लिया है तो लिखिए कि आप ये सेशन क्यों ले रहे हो। उदाहरण के लिए, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 से बिल्कुल अनजान हैं या फिर आप सॉफ्टवेयर स्किल्स को सुधार रहे हैं। जानबूझकर कुछ शब्दों को गलत लिखना याद रखें। इसी सेशन में बाद में आप सीखेंगे कि कैसे स्पेल चेकर यानी स्पेलिंग चेक करना और बेसिक वर्ड 2007 फंक्शन का उपयोग होता है। ऊपरी तस्वीर वर्ड विंडो के वो भाग दिखाती है जिसमें विंडो के अंदर ही एक डॉक्यूमेंट होता है। ये ऊपर मापक रूलर दिखाता है और बाईं तरफ से पेज के साइज के बारे में बताता है। इस चित्र में हम समझ सकते हैं दोस्तों कि एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, खाली डॉक्यूमेंट को कैसे चुनना है। इस चित्र से हम समझ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करना है। सेव एज द्वारा पहली बार सेव करने के लिए उपयोग होने वाली कमांड, या आप पहले ही किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर चुके हैं और उसमें बदलाव करने पर भी आप इसका उपयोग करते हैं। बदलाव करने के बाद किसी डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेव एज कमांड का प्रयोग करें। इससे आपकी असली फाइल वैसी की वैसी ही रहेगी और एक नई फाइल दूसरे नाम से बन जाएगी। आप इसकी कॉपी को अलग अलग फोल्डरों में सेव कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को माय डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव करें। फाइल नेम बॉक्स में डॉक्यूमेंट का नाम दर्ज करें। सुनिश्चित करने के लिए जांचें कि वर्ड डॉक्यूमेंट के सेव एज टाइप में *docx का चुनाव किया गया है। ये एक्सटेंशन है, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल का ये एक्सटेंशन है। फॉन्ट को कैसे टाइप करना और उसकी साइज कैसे बदलनी, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। जो डॉक्यूमेंट आपने हाल ही में बनाया उसी में अब आप कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। आप उसमें फॉन्ट के विभिन्न आकारों और प्रकारों को फॉर्मेट करेंगे। उदाहरण के लिए, जब आप रिज्यूम बनाते हैं आप आई कल्चर शब्दों को बोल्ड में लिखते हैं। इसके साथ फॉन्ट का आकार भी प्रभावित होता है। पहला चरण इसमें क्या है, जिस टेक्स्ट का फॉन्ट या आकार बदलना है उसे हाईलाइट करें। इसके अभ्यास में अपना नाम हाईलाइट करें। फॉन्ट मेनू पर क्लिक करें, थीम फॉन्ट चुनें, उदाहरण के लिए एरियल ब्लैक, और फिर फॉन्ट का आकार चुनें, मान लीजिए जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किक एक्सेस टूल बार में सेव पर
क्लिक करें। कैसे टेक्स्ट इंसर्ट करना है और हेडर और फुटर बनाना है। वर्ड डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर में टेक्स्ट पेज नंबर और तारीख जैसी सूचनाएं भरी जाती है। सूचना चाहे हेडर में हो या फुटर में, वही सूचना पूरे डॉक्यूमेंट में दिखती है। जब भी आप डॉक्यूमेंट में कोई नया पेज जोड़ते हो तो आपको बार बार फुटर या हेडर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां अपने आप सूचना लिखी जाती है। हेडर पेज के ऊपर दिखने वाली सूचना है तो फुटर पेज के नीचे। यह कैसे काम करता है? पहला चरण है वर्ड पेज के ऊपर बने बार में होम के तुरंत बाद इंसर्ट क्लिप विकल्प पर क्लिक करें और हेडर को चुनें। दूसरा चरण है जो आपको स्टाइल पसंद है चुने, फिलहाल के लिए खाली या बैक चुनते हैं। चरण तीसरा, इसे भरने के लिए हम आपको पीछे वाली लास्ट नेम का उपयोग करें, इसके बाद एंटर दबाएं। चौथा चरण, आज की तिथि जोड़ें और फिर अपना नाम और तिथि हाईलाइट करें। पांचवा चरण, मेन्यू में होम टैब पर क्लिक करें। छठा चरण, अब बार से होम चुनें और लेफ्ट में जस्टिफिकेशन बटन पर क्लिक करें। सातवा चरण क्या है, अंत में क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक करें। इस चित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से हेडर फुटर को इंसर्ट करना है और किस तरह से क्लोज करना है। हेडर मेनू बंद हो जाएगा और आपको टाइपिंग जारी रखने के लिए वापस डॉक्यूमेंट पर ले जाएगा। अब ये कि इंडेंट्स और स्पेसिंग कैसे इंसर्ट करना है। अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से स्पेसिंग देना। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाने के लिए पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग की जरूरत होती है, तो ये समझना जरूरी है कि आप पंक्तियों और पैरा के बीच में अच्छे से स्पेसिंग करने में सक्षम हो सकते हैं। चरण एक, पहला चरण है बदलाव किए जाने वाले पैराग्राफ चुनें। दूसरा चरण, होम टैब पर क्लिक करें और फिर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करें। तीसरा चरण, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब पर क्लिक करें। चौथा चरण, लाइन स्पेसिंग सेक्शन में अपनी जरूरत के हिसाब से स्पेसिंग सेट करें। पांचवा चरण, दी गई तस्वीर दिखाती है कि इसके बाद आपका पेज कैसे दिखता है। इस पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न करते हैं दोस्तों। पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग, यानी किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? पहला कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, दूसरा कंट्रोल प्लस ई, तीसरा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, चौथा कंट्रोल प्लस यू। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है कंट्रोल प्लस ई। कारण, यह शॉर्टकट कुंजी है जिससे हम जल्दी से पैराग्राफ को सेंटर में कर सकते हैं। मार्जिन में बदलाव, इस चित्र से आप समझ सकते हैं मार्जिन में क्या बदलाव करना है। वर्ड 2007 आपको यह सुविधा देता है कि आप मार्जिन में बदलाव करने के बाद देख सकते हैं कि आपका कागज कैसा दिखेगा। पेज के मार्जिन को निम्नलिखित चरणों के माध्यम से बदला जा सकता है। पहला चरण, बार में पेज लेआउट टैब पर क्लिक करें। दूसरा चरण, अब वहां से मार्जिन चुनें। तीसरा चरण, डिफॉल्ट मार्जिन पर क्लिक करें। चौथा चरण, कस्टम मार्जिन पर क्लिक करें और डायलॉग बॉक्स को पूरा करें। विशेष क्या ध्यान रखना है, जैसे ही आप मार्जिन रीसेट पर जाते हो तो ये साथ साथ ये दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट बदलाव कैसे दिखता है। सूचियां क्या होती, यानी लिस्ट। लिस्ट की मदद से आप नंबर, बुलेट्स या कोई आउटलाइन वाले टेक्स्ट को फॉर्मेट या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चरणों के लिए नंबरों का इस्तेमाल करने की बजाय एक आउटलाइन लिस्ट के तौर पर उदाहरण के रूप में दिखाया जाता है। बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट, इस चित्र द्वारा हम समझ सकते हैं किस तरह से बुलेट्स और नंबरिंग को ऐड करना है। बुलेटेड लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स होते हैं, नंबर्ड में नंबर और आउटलाइन लिस्ट में नंबरों और अक्षरों का मिश्रण होता है। ये मिश्रण इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी लिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मौजूदा टेक्स्ट में लिस्ट को कैसे जोड़ना है। पहला चरण, जिसकी लिस्ट बनाना चाहते हो उसको सिलेक्ट करें। दूसरा चरण, होम टैब के पैराग्राफ टैब में किसी बुलेटेड या नंबर्ड लिस्ट बटन पर क्लिक करें। अब एक नई लिस्ट बनाने के लिए कर्सर को वहां रखें जहां से आप लिस्ट बनाना शुरू करना चाहते हैं। बुलेटेड या नंबर लिस्ट पर क्लिक करने के बाद टाइपिंग स्टार्ट करें। लिस्ट को फॉर्मेट कैसे करना है, पहला इस चित्र से आप समझ सकते हैं और चरण में हम पढ़ते हैं। बुलेटेड इमेजिंग या नंबरिंग फॉर्मेट को बदला जा सकता है। इसके लिए बुलेट्स या नंबरिंग डायलॉग बॉक्स का उपयोग करना होगा। सभी बुलेट्स या नंबर्स को बदलने के लिए पूरी लिस्ट को चुनें या किसी एक पंक्ति को बदलने के लिए एक पंक्ति पर कर्सर रखें। तीसरा चरण, एक बार राइट क्लिक करें। चौथा चरण, बुलेटेड या नंबर्ड लिस्ट के सामने एरो पर क्लिक करें। अब एक बुलेटेड या नंबरिंग स्टाइल को चुन लें।
स्पेलिंग और ग्रामर को कैसे चेक करना है, इस चित्र द्वारा आप समझ सकते हैं। एबीसी पर क्लिक करना है जिससे आपको सही स्पेलिंग का पता पड़ जाएगा। आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ रीड, अशुद्धियां दूर करने की प्रक्रिया के लिए कई फीचर हैं, जिसमें शामिल स्पेसिंग, स्पेलिंग और ग्रामर, शब्दकोश, ऑटो करेक्ट, डिफॉल्ट डिक्शनरी, वर्ड काउंट। सबसे ज्यादा आमतौर पर उपयोग में लाया जाने वाला टूल है स्पेलिंग और ग्रामर चेकर, अपने डॉक्यूमेंट को स्पेलिंग, वर्तनी और ग्रामर जांचने के लिए। स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस चित्र में दर्शाया गया है कि जो शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, चेंज करेंगे। पहला इसमें चरण है कर्सर को डॉक्यूमेंट या उस सेक्शन की शुरुआत में रखें जिनकी जाँच आप करना चाहते हो। रिबन में रिव्यू टैब पर क्लिक करें, प्रूफिंग ग्रुप में स्पेलिंग और ग्रामर पर क्लिक करें। विशेष कोई भी त्रुटि दिखाने वाला डायलॉग बॉक्स आपको अधिक उपयुक्त स्पेलिंग या फ्रेज मुहावरा चुनने की सुविधा देते हैं। आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती हुई हो सकती है तो उसकी जांच के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर का उपयोग करें। जब स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का काम पूरा हो जाएगा तो ये आपको एक डायलॉग बॉक्स के जरिए सूचना देगा कि स्पेलिंग और ग्रामर जाँचने का पूरा हो गया है। शब्द गणना यानी वर्ड काउंट। एक सेक्शन में शब्दों की गणना करने के लिए आपको शब्द चुनने पड़ेंगे। स्टेटस बार में शब्दों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कि 50/1200 का मतलब कि आपने जो शब्द चुने हैं वो 50वां है और कुल शब्द 1200 हैं, अर्थात आपने कुल 1200 में से 50 शब्दों को चुना है। विशेष कर क्या ध्यान देना है, जो सेक्शन एक साथ नहीं है या दूर दूर है तो उन्हें चुनने के लिए पहले आपको पहला सेक्शन चुनना होगा, उसके बाद कंट्रोल बटन कीबोर्ड से दबा के अतिरिक्त सेक्शन भी चुना जा सकता है। वर्ड में विभिन्न संपादन तरीके यानी एडिटिंग, कौन कौन तरीके, किस किस तरीके से हम एडिटिंग कर सकते हैं। इंसर्ट मोड और ओवरटाइप मोड। जब इंसर्ट मोड सक्रिय होता है तो सूचना जो भी आप लिखते हैं इंसर्ट होती जाती है, जबकि ओवरटाइप मोड में सूचना इंसर्ट नहीं होती है, हालांकि रिप्लेस होती है। इन दोनों मोड्स के बीच स्विच करने के लिए स्टेटस बार में ओ पर डबल क्लिक करें। वर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि आप इसमें केवल लिख ही नहीं सकते, आप डॉक्यूमेंट में तस्वीर डालकर कई तरह के भाव एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे हो सकता है। हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी किसी की कॉपीराइट तस्वीर का उपयोग न करें। इंटरनेट से तस्वीरें लेकर उपयोग करने में कॉपीराइट का खतरा होता है। इंसर्ट पिक्चर मेथड ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है, जो कि क्लिपबोर्ड पर फिट होने के लिए बहुत बड़े हो सकते हैं। तस्वीर इंसर्ट या पेस्ट करने के लिए डिफॉल्ट सेटिंग इन लाइन विद टेक्स्ट ऑफिस बटन कमांड गैलरी में स्थित एडवांस वर्ड ऑप्शन आपको डिलीट डिफॉल्ट सेटिंग को किसी भी उपलब्ध टेक्स्ट रैपिंग स्टाइल भी बदलने की सुविधा देते हैं। इसमें आपको यदि इमेज इंसर्ट करनी है या फिर टेबल बनानी है तो इस चित्र द्वारा आप समझ सकते हैं कि किस तरह से करना है, इसमें कौन कौन सी स्टेप्स हैं। डॉक्यूमेंट में जहां पर आपको तस्वीर इंसर्ट करनी है उस जगह को चुनें, फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन गैलरी चुनें। अब इंसर्ट पिक्चर चुनें, जिस जगह आपको तस्वीर सेव करनी है उसकी सही लोकेशन को नेविगेट करें। अब जो तस्वीर आप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हो उस तस्वीर पर डबल क्लिक करें। अब ये कि हम जो टेबल इंसर्ट करते हैं वो कैसी दिखती है और किस तरह से किया जा सकता है, रो क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। टेबल फीचर का उपयोग पंक्तियों, रो और कॉलम में सूचनाओं को संगठित करने के लिए किया जाता है और इसमें टैब सेट करने की जरूरत नहीं होती। टेबल का उपयोग फॉर्म बनाने और साइड बाई साइड पैराग्राफ बनाने में भी होता है। एक टेबल में खड़े कॉलम और पड़ी पंक्तियां होती है। इन कॉलम और रो के अंदर जो जगह होती है उन्हें सेल कहा जाता है। एक सेल का एक लौता स्क्वायर है जिसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। टैब बटन दबाने से कर्सर अगली सेल में चला जाएगा। शिफ्ट प्लस टैब से कर्सर पिछले सेल में आ जाता है। अब एक टेबल बनाने की प्रक्रिया को समझने में बहुत आसानी है। पहला है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में अपनी मनचाही लोकेशन पर इंसर्शन
पॉइंट बनाएं। दूसरा चरण, बार से इंसर्ट टैब में गैलरी चुनें। अब इंसर्ट टेबल चुनें। इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स में अपनी इच्छा के अनुसार कॉलम और रो की संख्या भरें। ऑटो फिट बिहेवियर चुनें, क्लिक ओके करें। इस पर आधारित अभ्यास प्रश्न करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, वह है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम द्वारा हम वर्ड और टाइप रिलेटेड काम कर सकते हैं। खाली पेज को कैसे इंसर्ट करना है? ब्लैंक पेज कमांड आपको मैन्युअली एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करने की अनुमति देती है। आप डॉक्यूमेंट में कहीं भी पेज इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप पेज को टेक्स्ट या ग्राफिक से पूरी तरह भर देते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड अपने आप नीचे की तरफ एक नया ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देता है। हालांकि आप मैन्युअली यानी खुद अपने हाथों से जोड़ सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एडिटिंग पेज ब्रेक या डिलीटिंग पेज ब्रेक का उपयोग करना होगा। पेज ब्रेक कैसे इंसर्ट करना है? आप डॉक्यूमेंट में किसी भी स्थान पर पेज ब्रेक डाल सकते हैं, अथवा आप निर्धारित कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किसी पोजीशन पर अपने आप पेज ब्रेक डालना है। यदि आप मैन्युअली पेज ब्रेक करते हैं तो पेज की लंबाई के लिहाज से आप कई अलग अलग पेज बना देंगे। इसमें जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट को एडिट संपादित करेंगे, आपको बार बार पेज को ब्रेक करना पड़ेगा। इस मुश्किल से बचने के लिए आप इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं कि वर्ड किसी निश्चित पोजीशन पर अपने आप पेज ब्रेक डाल देगा। कवर पेज कैसे डालना है? पहला चरण है इंसर्ट टैब से कवर पेज चुनें, इससे कवर पेज मेनू नजर आएगा। कवर पेज के अंतर्गत प्री फॉर्मेटेड विकल्प चुनें। ब्लैंक पेज या पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए अपने इंसर्शन पॉइंट को अपनी इच्छुक लोकेशन पर ले जाएं। अब इंसर्ट टैब से ब्लैंक पेज या पेज ब्रेक चुनें, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। अब आप एक बार आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है तो हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी कैसे प्राप्त की जा सकती है। वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट करना है? होम बटन दबाएं, इसमें प्रिंट चुनें और उसमें फिर से प्रिंट का चुनाव करें। जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट चाहिए उसका चुनाव करें, ब्लैक एंड व्हाइट या कलर प्रिंटर। जब आपने प्रिंटर का चुनाव कर लिया हो तो एक बार फिर से सुनिश्चित कर लें कि आपने सही और पूरा डॉक्यूमेंट चुना है। जब उपरोक्त चरण पूर्ण हो जाए तो आपने कार्य को प्रिंट करने के लिए ओके पर क्लिक करें। जब आपका डॉक्यूमेंट तैयार है और प्रिंट भी हो चुका है तो अब देखते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे बंद करें, उससे कैसे बाहर निकलें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद करना और उससे कैसे बाहर निकलना, ये सुनिश्चित करना हमेशा अच्छा होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को बंद करने या उससे बाहर निकलने से पहले उसको सेव कर लिया होगा। सेव करने से जो डेटा होगा वो आपका लॉस्ट नहीं होगा। वर्ड को बंद करने से पहले केवल वर्तमान डॉक्यूमेंट बंद होगा, हालांकि वर्ड खुला रहेगा। वर्ड से बाहर आने एग्जिस्टिंग वर्ड से आप प्रोग्राम से पूरी तरह बाहर आएंगे। आपको इसका पालन करने की जरूरत नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके सिस्टम में कौन सा एमएस वर्ड है। इस पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न करते हैं दोस्तों। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? पहला प्रोग्राम, दूसरा टेक्स्ट, तीसरा ग्राफ, चौथा डॉक्यूमेंट। तो एमएस वर्ड में जो भी फाइल बनाते हैं उसको हम डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। कारण, हर वर्ड की फाइल डॉक्यूमेंट नाम व एक्सटेंशन से सेव होती है। कैसा लगा हमारा वीडियो दोस्तों? इस वीडियो में आपको, यदि आप एमएस ऑफिस में काम करेंगे तो जब एमएस वर्ड पर वर्क करेंगे तो किस तरह से आपको एडिटिंग करनी है, फाइल सेव करनी है, ओपन करनी है, साथ के साथ पेज ब्रेक कैसे इंसर्ट करना है, टेबल कैसे बनानी है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आगे भी टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे जिससे आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। तब तक के लिए फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून गाइज़।